हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी लड़की से कैसे बात शुरू कर सकते हैं। मैं आपको लड़कियों से बात करने के तरीकों के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई है और आप उससे बात करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उससे बात कैसे शुरू करें, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, जिस लड़की से आप बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन उसे देना होगा। सबसे पहले आप लड़की के पास आराम से जाओ और उसे स्माइल के साथ हेलो बोलो। आप उसे अपना नाम बताएं और उससे उसका नाम पूछें। दोस्तों, आपको यहाँ एक बात ध्यान देनी है, आपको ज़्यादा फिल्मी बनने की ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन देने में। आप बस सिंपल तरीके से ही अपना इंट्रोडक्शन उसे दे। आप पूरी ईमानदारी के साथ लड़की से बात करें। आप लड़की से पूछ सकते हो कि आपका दिन कैसा गया, आप क्या करती हो, ऐसे सवाल आप पूछ सकते हो लड़की से शुरुआत में। दोस्तों, शुरुआत में बहुत से लड़के फिल्मी बनने की कोशिश करते हैं जिस कारण लड़की उससे बात करना बंद कर देती है। शुरुआत में आपको जितना हो सके कन्वर्सेशन को सिंपल रखना है। दोस्तों, इससे लड़की को भी लगेगा कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड हैं और उसकी बात को अच्छी तरह से सुनते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लड़के नई लड़कियों से शुरुआत में बात करने से घबराते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि लड़की से आखिर क्या बात करें। तो आप इस चुप्पी को तोड़ने के लिए आप उससे ऐसे सवाल करो जिससे लड़की को लगे कि आप उसकी परवाह करते हैं। आप उससे उसके क्लास या कॉलेज के बारे में बातें कर सकते हो। आप किस कॉलेज में पढ़ती हो, ऐसे सवाल आप उससे पूछ सकते हो। अगर आप दोनों साथ में ऑफिस में काम करते हो तो आप उस लड़की से पूछ सकते हो कि तुम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो। दोस्तों, आप लड़की से पॉप कल्चर के बारे में भी बात कर सकते हो। इससे यह पता चल जाएगा कि लड़की को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि लड़की को किस टाइप की मूवीज अच्छी लगती है, सॉन्ग्स कैसे अच्छे लगते हैं। दोस्तों, इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि वो किस तरह की लड़की है, और ये सब जानकारियाँ आपको फ्यूचर में बहुत काम देगी। दोस्तों, अगर आप लड़की को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं लेकिन आप दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, तो आप उस कॉमन फ्रेंड को अपने कन्वर्सेशन के बीच में ला सकते हो। ऐसा करने से आपका उस लड़की के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बन जाएगा। दोस्तों, इससे लड़की भी कंफर्टेबल हो जाएगी और आप लड़की से आराम से बात कर पाओगे। दोस्तों, आप दोनों एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बातें कर सकते हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर क्यों ना हो। दोस्तों, ऐसा करने से आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आप लड़की से अपने इंटरेस्ट के बारे में भी बातें कर सकते हो, उसे अपने इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हो। ऐसा करने से आपको लड़की से बात करने का टॉपिक भी मिल जाएगा और इस टॉपिक पर आप घंटों बातें कर सकते हो। दोस्तों, आप उससे बातें कर सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, कि मूवीज देखना अच्छा लगता है, कि राइड पर जाना अच्छा लगता है, कि इन सब टॉपिक पर आप लड़कियों से बातें कर सकते हो। इन टॉपिक पर लड़कियों को बातें करना अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर आपकी लड़की के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो गई है तो आप उससे अपने पर्सनल मैटर्स के बारे में भी बातें कर सकते हो। पर्सनल का मतलब यहाँ पर यह हो गया है दोस्तों कि आप उससे अपनी फैमिली के बारे में भी बातें कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान देना है कि बात करने के दौरान लड़की अनकंफर्टेबल फील ना करे, कोई भी उल्टी फुल्टी बातें लड़की से ना करे। दोस्तों, अब टाइम आ गया है नेक्स्ट स्टेप लेने का। दोस्तों, आप लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दे और थोड़ी थोड़ी लड़की से फ्लर्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लड़की को कॉम्प्लीमेंट देने में घबराहट हो रही है तो ज़्यादा मत सोचो, गहरी सांस लो और आराम से लड़की से बातें करो। आप उसकी स्माइल की तारीफ कर सकते हो, उसकी ड्रेस की तारीफ कर सकते हो, उसकी बालों की तारीफ कर सकते हो। लड़कियों को तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आपको एक बात यहाँ पर यह ध्यान देना है कि आप उसकी जेन्यून तारीफ करें। लड़की को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो तारीफ कर रहे हैं वो बनावटी है। दोस्तों, आप कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे लड़की को बुरा लगे। आप लड़की के साथ ऑनेस्ट और ट्रू रहो। दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट काम यह करना है कि आपको लड़की का भरोसा जीतना है। दोस्तों, लड़की का भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपकी एक अच्छी फ्रेंड बनेगी, उसके बाद आपकी गर्लफ्रेंड। दोस्तों, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखना जानते हैं, जो इंटेलिजेंट हो, जिनमें कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हो, मुश्किल से भी मुश्किल सिचुएशन में अपना आपा नहीं खोते हैं, और जो थोड़ा रिच भी हो। दोस्तों, ज़्यादातर लड़के ये सोचते हैं कि अगर लड़की पटाना है तो उन्हें गुड लुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बस कहने और सुनने की बातें हैं।
दोस्तों लुक ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप बस लड़की को यह भरोसा दिलाओ कि आप उसके हर मुश्किल और अच्छे सिचुएशन में उसके साथ रहोगे, उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। दोस्तों एक बार अगर आप लड़की का भरोसा जीत जाओगे तो उसे आपकी गर्लफ्रेंड बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों अब आपको अपने आप को ज़्यादा खुलकर लड़की के सामने पेश करना है और लड़की को जितना हो सके उतना ज़्यादा ऐसा रीज़न दो कि जिससे लड़की आपको लाइक करे। दोस्तों लड़की आपसे जो भी पूछती है आप उसके सवाल का ईमानदारी के साथ जवाब दो ताकि लड़की आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लड़की को बस अपने बारे में ही बताने में बिजी हो और उसे बोलने का ही मौका नहीं दे रहे हो। लड़की से बात करने के दौरान आप उससे आई कांटेक्ट बनाओ। दोस्तों लड़कियों को वो लड़के बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं जो लड़कियों के आँखों में आँखें डालकर बात करते हैं। दोस्तों आँखों में आँखें डालकर बात करने से लड़की को लगता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो, आप उनकी बातों को अच्छी तरह से सुन रहे हो। दोस्तों लड़कियों से बात करने के दौरान आपको अपने फेस पर स्माइल जरूर रखनी है। दोस्तों स्माइल के साथ बात करने से आप ज़्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंस दिखते हैं और ऐसे ही लड़कों के पास लड़कियां रहना पसंद करती है। दोस्तों बहुत से लड़के लड़कियों से बात करने के दौरान उन्हें समझ में नहीं आता है कि लड़की के सवालों का जवाब कैसे दे, बस वो हाँ और ना में जवाब देते हैं। दोस्तों आपको हाँ और ना में जवाब देने से बचना है। दोस्तों अगर आप हाँ और ना में ही जवाब देते रहोगे तो आप लड़की से ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाओगे। दोस्तों हाँ और ना में जवाब देने से लड़की का इंटरेस्ट आप में से धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसलिए आप लड़की से इंटरेस्टिंग सवाल पूछो ताकि उसे भी आपसे बात करने में मज़ा आए। दोस्तों कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों से बात करने के दौरान उन्हें घूरने लग जाते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो लड़कियों को घूर रहे हैं। दोस्तों अगर लड़की को एक पल के लिए भी लगा कि आप उसे घूर रहे हो तो आपकी स्टोरी का वहीं पर डी एंड हो जाएगा, फिर बाद में सोचते रह जाना कि लड़की आपसे बात करना क्यों बंद कर दी, इसलिए इन बातों का विशेष ख्याल रखें। दोस्तों अब लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगा। दोस्तों आप जब भी लड़की से बात करने जाए आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आपके जूते साफ होने चाहिए और हाँ थोड़ी सी परफ्यूम जरूर मार लें और हाँ हो सके तो सेव भी कर लेना। आप हल्की हल्की दाढ़ी भी रख सकते हो, लड़कियों को हल्की हल्की दाढ़ी आजकल बहुत पसंद आ रही है। दोस्तों लड़की से जब भी आप बात करें कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, उसे स्पेशल फील करवाने का कोई भी मौका अपने हाथ से ना जाने देना। दोस्तों अगर आप वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करोगे तो आप नोटिस करोगे कि कुछ ही दिनों में वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बन गई है, आपके प्यार में पागल हो गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सबसे ज़रूरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।